सबसे पहले तो आपकी माफी चाहता हूँ कि सांचौर में एक जनसभा है, दूसरा एक कार्यक्रम है, फिर मुझे 7 घंटे की दूरी करके अहमदाबाद जाना है, कल बेंगलोर कोर्ट में मुझे हाजिर होना है, तो थोड़ी आज जल्दबाजी में आया, थोड़ा क्षमा करिएगा, दिल से माफी मांगता हूँ। दो चार बात आपके बीच में कहकर आपसे रुख्सत करूंगा। साथियों, जब दलितों की आत्मसम्मान की, दलितों की सुरक्षा को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कानून, उसके खिलाफ जब भाजपा ने हमला बोला, तब पूरे गुजरात के, राजस्थान के और भारत के लाखों दलित सड़कों पर उतरे और जय भीम के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। लेकिन जय भीम के नारे के साथ दलित समाज के साथी जो सड़क पर उतरे, वो भाजपा के मनुवादी लोगों को पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने फर्जी मुकदमे किए। वो मुकदमे पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले कहीं पर वापस लिए गए तो रानीवाड़ा की धरती पर रतन भाई के प्रयासों के कारण लिए गए। और इन शब्दों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा भी कभी आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो जिग्नेश भाई पहुंचे न पहुंचे, मेरे बड़े भाई रतन देवा से आपके बीच में आ गए। आज साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं, लेकिन केवल इतना कहूंगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेंगी। यदि भाजपा के बजाय एक भी वोट आपका कहीं पर भी गया तो वो नादानी होगी, बेवकूफी होगी, इस बात को समझ लीजिए। आपका मेघवाल समाज का, वाल्मीकि समाज का, बैरवा समाज का, एक एक दलित समाज का, एक एक भील आदिवासी ओबीसी समाज का, किसान का, मजदूर का, मालदारी का, सभी का वोट डंके की चोट पर केवल 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 मेरे भाई के लिए पड़ना चाहिए, हाथ के निशान पर पड़ना चाहिए। ये भाजपा के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो ये कहने वाले लोग हैं। 3 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जलाया, इन भाजपा को सबसे ज्यादा नफरत है तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से और बाबा साहब के संविधान से, और इसीलिए भाजपा को हराना है तो आपके गांव के एक एक बूथ के एक एक व्यक्ति को मेरी तरफ से हाथ जोड़िएगा। मैं आज आपके बीच में भाई रतन देवासी जी के लिए हाथ जोड़ने के लिए, अपनी झोली फैलाने के लिए आया हूँ, मुझे निराश मत करिएगा। मैं आपके खातिर, मैं पूरे गुजरात के, पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के दलितों के खातिर 2500 किलोमीटर आसाम की जेल में रहकर आया हूँ लेकिन कभी दगा नहीं हूँ। लाखों करोड़ों की ऑफर थी फिर भी अपने ईमान को एक इंच भी बेचा नहीं है, और इसीलिए इतना तो मैं आपके मांग सकता हूँ कि मेरे भाई को जिताना, इतना तो मैं आपसे मांग सकता हूँ कि नहीं मांग सकता हूँ। तो पूरी ताकत के साथ डंके की चोट पर सारे प्रयास लगाकर मान के चलिए कि जिग्नेश मेवाणी ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने यहाँ से पर्चा भरा हो और आप कितने वोट देंगे उतने वोट रतन देवासी भाई को मिलने चाहिए। और मैं तो मैं हाथ जोड़कर, सुनिए मेरी वाणी को विराम देने से पहले, हाथ जोड़कर क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के भाइयों को, बहनों को, माताओं को, युवा साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझ लीजिए, जब चिरंजीवी योजना का लाभ लेने की बात आई थी तो सबसे ज्यादा राजस्थान में काम भाई रतन देवासी ने किया, तब उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जाट है या गुर्जर है, मीणा है या दलित है, राजपूत है या ब्राह्मण है, सबके बीच में भाई खड़े थे, 36 कौमों को लेकर खड़े थे, एक एक बच्चों का दाखला करवाया है, आंगनवाड़ी बनवाई है, स्कूलें बनवाए, विद्यालय बनवाए, महाविद्यालय बनाए, और अब तो गहलोत साहब ने कह दिया जादू ऐसा चलेगा कि 25 लाख नहीं चिरंजीवी योजना में 50 लाख मिलने वाला है, 10 लाख रोजगार खड़े होंगे जिसमें से 4 लाख तो सरकारी नौकरी होगी, और ऑलरेडी अभी के शासन के दौरान 1,56,000 लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्तियां मिल चुकी है। साथियों, ज्यादा कहने का वक्त नहीं, अब तमाम साथियों को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, प्लीज मेरी इतनी गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, हर कीमत पर रतन देवासी साहब जीतने चाहिए। राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, मिजोरम में है, लेकिन जिस दिन नतीजा आता होगा
तो मेरी पहली नजर होगी रतन देवासी भाई का क्या हुआ। आप मुझे निराश मत करिएगा, भारी की भारी मतों से इनको जिताइए। कुछ भी रहेगा मैं आपके बीच में आधी रात में आकर खड़ा रहूंगा। इस बात का डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की कसम खावा है। और ये मोदी जी वाला जुमला नहीं, मैं जब कहता हूँ तब करके दिखाता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी और फिर भी अत्याचार होगा, तब भी आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा। ये बात का आपको वायदा करता हूँ। और इसलिए पूरी ताकत लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा फुले के सपनों को बचाना है। जाति और धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए। कबीर साहब ने तो कहा था कि एक राम दशरथ का बेटा दूजा जो घटघट में बैठा, ये तो इन राम के पीछे लगे हैं जो घटघट में बैठा। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर जो इंसानियत की बात करता है, केवल मालदारी समाज की नहीं मेवाड़े की भी बात करता है, ऐसे तमाम साथी हमारे राजस्थान के जीते, भाई रतन देवासी जीते, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, पूरी ताकत के साथ मेरे साथ कहिए जय 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 भीम, जय 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 भीम। लड़ेंगे, जीतेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।